हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की PDF डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन काली घटा का घमंड घटा प्रयुक्त पंक्ति में अलंकार आपको पहचानना है कि कौन सा अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा तो सही आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो आपका अलंकार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, यमक अलंकार। तीसरा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से पुरलिंग शब्द कौन सा ये आपको पहचानना है। जल्दी से बताएंगे पुरलिंग शब्द कौन सा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, कुटुंब। कुटुंब जो है वो एक पुरलिंग शब्द हो जाएगा। देखो जो समुदाय वाचक शब्द होते हैं जैसे समाज, दल, परिवार, कुटुंब, वंश, कुल, ये सभी पुरलिंग होते हैं। तो कुटुंब भी एक समुदाय वाचक शब्द है, इसलिए ये पुरलिंग होगा, ठीक है। छोटा शब्द का आपको बताना है कि निम्नलिखित में से विशेष क्या है। छोटा शब्द विशेष है, प्राविशेषण है, रूढ़ विशेषण है या यौगिक विशेषण है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, ये एक रूढ़ विशेषण है। अब आप बोलोगे सर रूढ़ विशेषण क्या होगा, देखो मैं आपको बता दूं, रचना की दृष्टि से विशेषण दो प्रकार के होते हैं, रूढ़ और यौगिक। रूढ़ विशेषण वो होते हैं जिनमें कोई विभाजन नहीं होता है, जिनको तोड़ नहीं सकते। छोटे शब्द को हम तोड़ सकते नहीं, छोड़ सकते, इसलिए जो है वो क्या हो जाएगा, ये एक रूढ़ विशेषण हो जाएगा। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ अपनोक्ति अलंकार होता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। उपमेय का निर्देश करके उपमान का स्थापन किया जाए तो अपनोक्ति अलंकार होता है। अपनोक्ति का अर्थ होता है छिपाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं, तो उनको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। समानार्थी जोड़ों का अनुपयुक्त विकल्प कौन सा है, यानी कि जो एक दूसरे के समानार्थी शब्द नहीं है बस उसी का विकल्प आपको चुनना है। काक का सारंग और मयूर दिया है जो कि गलत है ना, तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। सारंग और मयूर मोर के पर्यायवाची शब्द है, ना कि काक कौए के, ठीक है। बीवस रस का स्थायी भाव क्या होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बीवस रस का स्थायी भाव होगा जुगुप्सा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। किस क्रम में वाक् शुद्ध है, देख लीजिए, मुझे भारी दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ, ये होगा इसका सही भाग, ठीक है। उसके बाद है व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं, हाँ ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये वाक जो है बिल्कुल शुद्ध वाक है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। आदर देने व बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग किया जाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर, हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके गुरुजी आ रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, गुरुजी आ रहा है, नहीं गुरुजी आ रहे हैं, हालांकि आ एक ही रहे हैं लेकिन बहुवचन क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं, तो हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किस क्रमांक में मूर्ध्या व्यंजन है, जल्दी से बताओ, पूरा टावर आपका मूर्ध्या से बोला जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। छंद की रचना किसके द्वारा होती है, जल्दी बताओ, छंद की रचना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर, गणों के समायोजन से, ठीक है। गण होते हैं बहुत सारे, सगड़, यगड़, मगड़, बगड़, ये सभी होते हैं, ठीक है, उनके समायोजन से छंद की रचना होती है। बहुत सुस्ती से काम करना के लिए उचित मुहावरा कौन सा है, जल्दी से बताएं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर, 9 दिन चली अढ़ाई कोस। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रसनिधि कवि, रसनिधि किस कवि का उपनाम है, तो सही आंसर हो जाएगा सर पृथ्वी सिंह का। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उनको क्या कहते हैं, उनको विशेष कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आसमान का रंग नीला है ना, तो यहाँ पर आसमान की विशेषता बताई जा रही है, तो आसमान विशेष है। चौकी का तत्सम रूप क्या होगा, ये आपसे पूछा है,
चतुष्पादी का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? अधिकरण कारक में, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परोक्ष का आपको ब्लूम शब्द बताना है कि परोक्ष का ब्लूम शब्द क्या होगा? प्रत्यक्ष पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्कृष्ट का ब्लूम शब्द क्या होगा जल्दी से बताएं? निकृष्ट दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? उपदेशक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पढ़कर, जिसके एंड में कर करके शब्द जुड़ा होता है, पूर्व कार्य क्रिया होती है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस चारण व्यंजन संधि होगी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एक की वर्तनी अशुद्ध यानी कि गलत है, जो गलत है उसी का आपको बताना है, जल्दी बताओ। सही आंसर होगा सुश्रुषा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इसका सही रूप ये लिखा हुआ है। चतुर्भुज में कौन सा समास है, ये आपसे पूछा है। चतुर्भुज चार चार हैं भुजाएं जिसकी, है ना, और जिसका जिसकी की हिंदी निकलता है, तो वहां पर आपका कौन सा समास हो जाता है? बहुव्रीय समास। अब आप बोलोगे सर पहला पद तो संख्यावाची है तो इसमें तो दिग्गु समास होना चाहिए। अरे भैया चतुर्भुज शब्द जो है वो विष्णु जी का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए भगवान के नाम सारे बहुव्रीय समास में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल आपको पहचानना है कौन सा काल है? तो ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है, पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त नहीं है? जो वाक्य संयुक्त नहीं है उसी का आपको चयन करना है। तो दोस्तों ये थे आपके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।